हेलो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में दोस्तों हम आपको कुर्ते में हाफ कॉलर लगाना सिखाएंगे। सूट हो या कुर्ता हो दोस्तों, बात एक ही है, लेकिन आपको हाफ कॉलर लगाना सिखाएंगे किस तरीके से लगेगा। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को अलाउ कर देना, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। आइए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट और सीखते हैं कुछ नया। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, नॉर्मली जैसे गला बनता है हमारा, वैसे ही आपको बना के रेडी करना है। और दोस्तों नीचे से जो हमारा गले का सेंटर है वहाँ से आपस में मिलाते हुए और जो हमारी कंधे की सिलाई है उसे आपस में मिला लेंगे। इंची टेप लेंगे और जहाँ से हमारी सिलाई है उस जगह से 2.5 इंच नीचे की तरफ रखेंगे गले की तरफ, और पीछे तक हमें नापना है। ठीक है, तो हमारा जो आ रहा है हाफ में आ रहा है 5.5 इंच। अब इसे डबल में जब करेंगे दोस्तों तो हमारा हो जाएगा 11 इंच। इस तरीके से डबल में इंची टेप फोल्ड करेंगे और हम नाप लेंगे, हमारा हो जाएगा 11 इंच। ये हमारा बेल्ट रोल है। ये दोस्तों जेंट्स पैंट में जो बेल्ट लगती है उसमें लगाने के काम आता है, लेकिन हम इसमें कॉलर लगाना सिखाएंगे। इसी तरीके से आपको इंची टेप रखना है और 11 साढ़े 11 इंच का आपको कॉलर फाड़ लेना है। ठीक है, ये पेस्टिंग हम फाड़ लेंगे। अब इसको आपस में रखते हुए और एक तरफ से दोस्तों हम गुलाई कटिंग करेंगे। इस तरीके से आपको अच्छे से मिला के आपस में रखना है और यहाँ से हल्का हल्का मार्जिन हम कटिंग कर देंगे बुकरम का। इस तरीके से पेस्टिंग का हल्का हल्का मार्जिन कटिंग कर देंगे। अब दूसरी तरफ भी इसी तरीके से हल्का सा यहाँ हमारा कोना, सिर्फ हल्का सा कोना आपको कटिंग करना है नीचे गुलाई की तरह। ठीक है, ये हमने कटिंग कर दिया है कॉलर। अब क्या करना है, इसे हम कपड़े पे पेस्टिंग करेंगे। जैसे हम दोस्तों आपको कोई भी कपड़ा होगा उसे लेना है और इसको दोस्तों ये हमारा सीधा है, इसे उल्टा तरफ रखेंगे। इस तरीके से उल्टी तरफ रखते हुए और प्रेस से हम इसे चिपका देंगे। इसमें दोस्तों हमारी पेस्टिंग होती है तो ये हमारी प्रेस से अच्छे से चिपक जाती है, तो धुलने के बाद भी जैसी है वैसी ही रहेगी, इसमें कोई ख़राबी नहीं होती। अब सीधी तरफ भी हमें अच्छे से प्रेस लगाना है और जो हमने पेस्टिंग कराया ना दोस्तों उसी के बराबर से इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करेंगे और इस पर प्रेस लगा देंगे। अब मशीन पर चलते हैं और आगे का सिखाते हैं। जैसे सबसे पहले एक्स्ट्रा कपड़ा है हमें वो कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारी पेस्टिंग है उसी के बराबर से ही हमें सिलाई लगानी। जैसे यहाँ से पेस्टिंग के बराबर से ही आपको सिलाई लगानी है, पेस्टिंग के ऊपर हमारी सिलाई ना चढ़े, पेस्टिंग के बराबर से ही हमारी सिलाई लगे। अच्छे से फिनिशिंग से आपको सिलाई लगानी है। अब यहाँ से जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम दोस्तों कटिंग कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए कपड़े को कटिंग कर देंगे और इसे करेंगे सीधा। सीधा करने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, इस पर हम लपकी सिलाई लगाएंगे। अच्छे से कपड़े को पेस्टिंग के बराबर करते हुए हम इसमें लपकी सिलाई लगा लेंगे। कपड़े को नीचे का कपड़ा अपनी तरफ खींचेंगे तो सिलाई अच्छे से लग जाएगी। और इस तरीके से पेस्टिंग के बराबर से करते हुए इसमें निशान लगा लेंगे और निशान से ही ऊपर हम इसमें एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद जो हमने निशान लगाया था उसी पे ही हम कपड़े को कटिंग कर देंगे, जो कि हमारे पेस्टिंग के बराबर से कटिंग होगी। और बराबर करते हुए बीच में सेंटर का कट लगा देंगे और इस पे करेंगे इंटरलॉक। ये हमने इंटरलॉक कर लिए जिससे कि हमारे धागे वागे नहीं निकलेंगे, ये हमारे बीच सेंटर का निशान है। अब कपड़ा लेना है सूट, और उसका भी दोस्तों आपस में बीच सेंटर का मिलाना है निशान। जैसे कंधी से कंधी इस तरीके से मिलाएंगे और बीच सेंटर का निशान लगा देंगे। अब ये बीच सेंटर का निशान और कॉलर का बीच सेंटर का निशान आपस में रखते हुए आपको 1/2 इंच कॉलर का मार्जिन रखना है अंदर की तरफ और इस पर लपकी सिलाई लगाएंगे। अच्छे से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए आपको सिलाई लगानी है फिनिशिंग से, आपकी झोल वगैरह ना आए इसमें। और जो हमारा जोड़ है दोस्तों वो पीछे की तरफ, पीछे पल्ले की तरफ रहना चाहिए, आगे गले की तरफ हमारा नहीं रहना चाहिए। इस तरीके से दोस्तों हम सिलाई लगाएंगे और 1/2 इंच यहाँ पर पक्का कर देंगे हल्का सा। तो एक तरफ दोस्तों हमारा इस तरीके से सिलाई लग जाएगी। अब इसी तरीके से दूसरी तरफ कपड़े को आपस में, कॉलर के आपस में मिलाते हुए आपको लपकी सिलाई इसमें लगानी है। कपड़े को एक जैसा रखेंगे जिससे कि हमारी फिनिशिंग से सिलाई लगेगी, और कॉलर का दबाव जो रखेंगे दोस्तों वो 1/2 इंच ही रखेंगे। ये हमने सिलाई लगा दी, धागे वगैरह आपको अच्छे से कटिंग करनी है, ये हमने सिलाई लगा दी। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगाएंगे जिससे कि जो नीचे का मार्जिन है हमारा वो दब जाएगा, उठेगा नहीं। एक जैसी आपको एक पैर की सिलाई लगानी है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये धागे वगैरह जो हैं दोस्तों वो हम अच्छे से फिनिशिंग से काट देंगे और ये हमारा कॉलर लग के तैयार हो जाएगा फिनिशिंग से, और पीछे का भी दोस्तों दबाव है वो नहीं उठेगा। अब दोस्तों काउंटर पर चलते हैं, आपको फिनिशिंग दिखाते हैं। जैसे हमने ये कॉलर बना के रेडी कर लिया, आप कंधी से कंधी आपको इस तरीके से मिलानी है, और दोस्तों कॉलर जो है हमारा वो उस तरीके से तिरछे में फोल्ड कर देंगे इस तरीके से, और इस पर अच्छे से फिनिशिंग से हम प्रेस लगाएंगे जिससे कि हमारा जो कॉलर उठ रहा है वो फिनिशिंग से बैठ जाएगा। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को अलाउ कर देना, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहे। इसी तरह सिलाई से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।